बच्चों आज कक्षा तीसरी विषय हिंदी। आज की कक्षा में अपन पढ़ेंगे पाठ 11। पाठ 11 पढ़ेंगे पत्र की कहानी। बच्चों इस पाठ का उद्देश्य है आत्मकथा विद्या से परिचित कराना, मतलब अपनी कहानी। आत्मकहानी यानी कोई अपनी कहानी इसमें बता रहा है, आत्मकथा बता रहा है, उससे परिचित कराना बच्चों को। पत्र के गंतव्य तक पहुंचाने की क्रिया समझाना, यानी कि अपन पत्र लिखते हैं वो किस प्रकार से एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचता है उसके बारे में बताना, और पत्र लिखना और समझना, और पत्र किस तरीके से लिखा जाता है वो इसमें बताया गया है इस पाठ में। तो अपन पहले इसके शब्दार्थ पढ़ लेंगे बच्चों, तो आपको इनके अर्थ समझ के पाठ अच्छे से समझ में आएगा। तो पत्र यानी चिट्ठी, डाकिया यानी पत्र बांटने वाला, नगर यानी शहर, लेटर बॉक्स यानी चिट्ठियां डालने का डिब्बा, सहायता यानी मदद, मनुष्य यानी आदमी, ये आपके शब्दार्थ हैं इस पाठ के। अब अपन पाठ शुरू करते हैं। पत्र की कहानी, इस पाठ का नाम पत्र की कहानी है। राजीव के चाचा जी का पत्र आया। यह पत्र मुंबई से आया है। किसके चाचा जी का पत्र आया? राजीव के चाचा का पत्र आया है। कहाँ से? मुंबई से। यह पत्र डाकिया दे गया। राजीव ने पूछा, पिताजी यह डाकिया क्या मुंबई से पत्र लाया है? राजीव ने अपने पापा से क्या सवाल किया कि यह डाकिया क्या मुंबई से पत्र लेकर आया है? तो पिताजी क्या बोलते हैं? हंसकर एकदम बोलते हैं कि नहीं बेटा, डाकिया हमारे ही नगर के डाकघर से पत्र लाकर बांटता है। मतलब राजीव को पता नहीं था कि पत्र कहाँ से कैसे लाए जाते हैं, तो वो पिताजी से जानकारी ले रहा है कि क्या ये मुंबई गया था क्या चाचा जी का पत्र लेने। तो उसके पापा उसको समझाते हैं कि नहीं, ये हमारे नगर से ही पत्र लेकर आया है। हर पत्र पर पाने वाले का नाम लिखा होता है, वह पढ़कर जिसका पत्र हो उसे दे देता है। मतलब उसके पिताजी, राजीव के पिताजी उसको बता रहे हैं कि जिसका नाम लिखा हुआ रहता है उसके घर ये डाकिया वो पत्र पहुंचा देता है। राजीव ने पूछा, पिताजी डाकघर में चाचा जी का पत्र कैसे आ गया? राजीव क्या पूछता है कि पिताजी डाकघर में चाचा जी का पत्र कैसे आ गया? पिताजी ने कहा, बेटा तुम्हारे चाचा जी ने डाकघर से एक लिफाफा खरीदा, फिर एक कोरे कागज पर पत्र लिखकर लिफाफे में डाल दिया, और लिफाफे पर लगी गोंद पर पानी लगाकर उन्होंने लिफाफा बंद कर दिया। देखो इस पाठ में आपको पत्र कैसे लिखना है और कैसे उसको बंद करके ना आपको पहुंचाना है, किसके यहाँ, ये पूरी प्रतिक्रिया इसमें बताई गई है। इसमें सारी जानकारी दी गई है कि आप पत्र किस प्रकार से अपने रिश्तेदार को पहुंचा सकते हो। तो कैसे उसके चाचा जी ने कैसे करा कि एक लिफाफा लाए खाली, और एक कोरा कागज लिया और उस पर लिखा, फिर लिफाफे में उसको डाला, फिर लिफाफा उसको बंद किया, उसमें लिफाफे के ऊपर उन्होंने क्या करा, हमारा मतलब राजीव के पिताजी का पता लिखा, और इसके बाद उन्होंने यह पत्र लेटर बॉक्स में डाल दिया। तो ये इस प्रकार से पत्र लिखकर कैसे अपन लेटर बॉक्स में डालते हैं इसमें बता रखा है। अब राजीव ने पूछा, पिताजी लेटर बॉक्स से यह पत्र कहाँ कैसे पहुंच गया? तो पिताजी ने कहा, सुनो वहां से डाकघर के एक आदमी ने सारे पत्रों के साथ तुम्हारे चाचा जी का पत्र भी लेटर बॉक्स से बाहर निकाला है ना। वो क्या करते हैं, पोस्ट ऑफिस में वो लेटर बॉक्स पूरा खाली करते हैं, और उसमें जिस जिस शहर के पत्र रहते हैं वो एक एक ही जगह इकट्ठा कर लेते हैं। जैसे कि डाका मुंबई से पत्र आए हैं और जिस जगह देने हैं तो उस जगह के पत्र एक साथ ही वो इकट्ठे कर लेते हैं, और चाचा जी का पत्र भी लेटर बॉक्स से बाहर निकला, वह सारे पत्रों को थैले में डालकर ले गया। वहां दूसरे पत्रों के साथ इस पत्र पर भी तारीख की मोहर लगा दी गई। यह मोहर देखो,
तो मोहर भी लगाते हैं कि ये किस स्थान से आया है और किस स्थान के लिए इसको भेजना है। तो ये मोहर लगाकर वहां ले जाते हैं थैले में भरकर दूसरे ऑफिस में। इनके भी अलग अलग ऑफिस रहते हैं। लेटर बॉक्स खाली करके भी वो पत्रों को थैलों में भरकर दूसरे पत्रों के साथ इस पत्र को तारीख की मोहर लगाने के लिए दूसरे रूम में ले जाता है। इस प्रकार राजीव ने पूछा, फिर यह पत्र दिल्ली कैसे आया? तो पिताजी ने कहा, डाकघर के एक कर्मचारी ने दिल्ली जाने वाले पत्र एक थैले में डाल दिए। देखो, अब दिल्ली दिल्ली वाले पत्र कर्मचारी ने एक ही थैले में डाल दिए, फिर और थैले के साथ यह थैला भी डाकघर की मोटर गाड़ी में रख दिया गया। वह गाड़ी उन थैलों को लेटर थैलों को कहाँ पर पहुंचा रहे हैं? स्टेशन पर पहुंचा रहे जहाँ गाड़ी आने वाली थी। वहां दिल्ली जाने वाली रेलगाड़ी खड़ी थी, उसमें एक डिब्बा डाकघर वालों का अलग था। ये बात ध्यान रखना, रेलगाड़ी आने वाली थी, डिब्बा डाकघर वालों का अलग रहता है। तो रेलगाड़ी में डाकघर वालों का डिब्बा अलग रहता है और दिल्ली की ओर के सब स्थानों के थैले उसी डिब्बे में रख दिए। इस तरह दिल्ली वाला थैला दिल्ली पहुंच गया। वहां से फिर मोटर गाड़ी में ये थैले दिल्ली के डिब्बे में डाकघर पहुंचाए गए। और वहां डाकघर के कर्मचारी ने थैले खोले और अलग अलग मोहल्ले के पत्र अलग अलग कर दिए। जैसे एक ही मोहल्ले के चार पत्र हैं, तो उनको उस एक थैले में रख दिया। किसी के छह हैं, तो उस मोहल्ले के छह ही पत्र एक थैले में रख दिया। ऐसे अलग अलग थैले तैयार करे। तो राजीव ने कहा, फिर यह पत्र इस मोहल्ले के डाकिये को दे दिया गया। पिताजी ने कहा, हाँ तुमने ठीक सोचा। और डाकिये भी अलग अलग मोहल्ले में बटे हुए थे। एक पोस्ट ऑफिस में बहुत सारे डाकिये रहते हैं, तो उनको मोहल्ले भी अलग अलग बटे हुए रहते हैं। तो हमारे मोहल्ले के डाकिये रामलाल को दे दिए गए। उसने ये वे थैले में डाल लिए, फिर अपनी साइकिल पर बैठकर पत्र बांटता बांटता हमारे घर आ गया। तो इस प्रकार उसने तुम्हारे चाचा जी का पत्र तुम्हें दे दिया। अब यह है पत्र की यात्रा की कहानी। तो पत्र किस प्रकार से अपने पास पहुंचता है एक शहर से दूसरे शहर में, ये आपको इस पाठ में बताया गया। ये पत्र की कहानी आपको बताई गई है। फिर राजीव हंसकर बोला, तब तो पिताजी इस पत्र को हमारे घर तक पहुंचाने में बहुत से लोगों ने सहायता की है। राजीव क्या बोलता है कि ये एक पत्र को अपने तक पहुंचाने में बहुत लोगों ने अपनी सहायता करी है। पिताजी हंस पड़े और बोले, हाँ तुमने ठीक समझा। मनुष्य के सब काम एक दूसरे की सहायता से ही होते हैं। यानी एक मनुष्य सारे काम एक साथ नहीं कर सकता है, सभी को एक दूसरे की सहायता करनी पड़ती है जब भी काम होते हैं। इस पाठ से आपको ये भी शिक्षा मिलती है। तो बच्चों, ये आपका पाठ पूरा हो गया है, 11 पाठ पत्र की कहानी, कि पत्र को अपन किस प्रकार प्राप्त कर सकते हैं और पत्र एक स्थान से दूसरे स्थान तक किस प्रकार भेजा जाता है, इसमें ये आपको बताया गया है। इस पाठ के मैं प्रश्न उत्तर आपको भेज दूंगी। बच्चों, आप अपना काम समय पर करते रहें।